और देखिए हरक सिंह रावत की पुत्र वधु अनुकृति गोसाई जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अनुकृति, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुकृति, अभी हम सुन रहे थे, आप कह रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपको मौका दिया, आपको बड़ी खुशी है कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुई हैं। लेकिन अनुकृति, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके ससुर हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं इसीलिए पीछे पीछे अनुकृति भी आई हैं और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, या अनुकृति के पास अपनी भी कोई राय है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई हूँ और उसकी कार्यकर्ता बनी हूँ। ऑफकोर्स, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि पिताजी कांग्रेस का हिस्सा बने हैं। और देखिए, मेरे लिए तो जो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत हैं वो हमेशा डॉक्टर हरक सिंह रावत रहेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आज बात करूँ तो उनसे बड़ा राजनेता आज उत्तराखंड के अंदर कोई नहीं है, और जन नेता हैं, जनता के नेता हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से नेता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के दिलों में वो बसते हैं। और मैं तो आज किसी से कह भी रही थी कि इससे पहले भी इतनी विधानसभाओं से, जब तक ये तय नहीं हुआ था कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हजारों विधानसभा, हजारों लोगों के फोन मुझे आते थे कि आप एक बार उनसे कहिए कि हमारी विधानसभा से चुनाव लड़े। नहीं तो अनुकृति, अगर वो इतने पॉपुलर हैं, इतना जनाधार है उनका, तो बीजेपी ने इतने बड़े जनाधार वाले नेता को अपनी पार्टी से क्यों निकाल दिया? वो सारी जनता के लिए करते। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने इतने बड़े जनाधार वाले, जैसा कि आप कह रही हैं, क्यों निकाल दिया अपनी पार्टी से? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप सिर्फ फेक पोर्टल्स, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया की कोई अनऑथेंटिक न्यूज़ को सुनकर अगर आप इतने बड़े नेता को, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री को अगर आप निष्कासन करते हैं, तो मैं सोचती हूँ अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप एक बार फोन कर सकते थे, कोई भी उनको फोन करके पूछ सकता था, आप लोकेशन चेक कर सकते थे कि क्या वो न्यूज में फेक न्यूज जो थी, सोशल मीडिया में न्यूज चल रही थी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी से वो मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या ये बात आप पता कर सकते थे? तो मुझे तो, देखिए, पर्सनली मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत खेद है कि बहुत अपमान भारतीय जनता पार्टी ने उनका किया है। और एक बार मैं सोचती हूँ कि इतना तो बनता है, मतलब इतना तो, ये बहुत बेसिक सी चीज थी कि एक बार फोन करके ये पता किया जा सकता था, इस बात की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जा सकता था इतनी जल्दबाजी में। मैंने सुना आपने कहा कि आप प्रियंका गांधी से बड़ा प्रभावित हैं, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन लॉन्च किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या अनुकृति भी ये कह रही हैं कि वो लड़की हैं और चुनाव लड़ सकती हैं? बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल, मैं प्रियंका गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनके इस नारे से बहुत प्रभावित हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और जिस तरीके से आज वो पूरे देश के लिए एक महिला नेतृत्व के रूप में आज उभर रही, तो मैं सोचती हूँ कि उनके इस प्रभाव को मैं चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड के अंदर भी स्थापित कर पाऊँ। उत्तराखंड के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि महिला नेतृत्व को हम स्थापित करें। कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि आगे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि एक परिवार एक टिकट, तो फिर कौन लड़ेगा? आपके ससुर लड़ेंगे या आप लड़ेंगी? मतलब हरक सिंह रावत लड़ेंगे या आप, या फिर सवाल को बदल दें, आप त्याग करेंगी या हरक सिंह रावत त्याग करेंगे? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा, मैं आपको बताती हूँ, ये पार्टी का निर्णय होगा, जो भी पार्टी तय करेगी, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो भी उनका डिसीजन होगा, उस निर्णय को हम पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश के अंदर उसका निर्वहन करेंगे। नहीं, लेकिन परिवार में इसको लेकर कोई बातचीत हुई क्या? क्या आपके ससुर ने आपको कहा, डॉक्टर रावत ने आपको कहा कि तुम लड़ो, मैं क्या त्याग कर देता हूँ, या उन्होंने कहा कि नहीं रुक जाओ, इस बार मैं लड़ता हूँ, अगली बार तुम लड़ना? देखिए, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि पिताजी का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा, हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए रहा, हमेशा मुझे उनसे हमेशा ज़िंदगी में प्रेरणा मिली कि जिस तरीके से लाखों हजारों लोगों की, वो डेली मैं देखती हूँ अपने घर के बाहर, मैंने जब भी किसी को आते देखा कभी वो निराश होकर नहीं किया, मैंने उनको हमेशा देखा कि किस तरीके से, किस भावना के साथ वो गरीबों के लिए, वो लोगों के लिए काम करते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये अपने आप नहीं, लेकिन सुनने में तो यार है कि उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी है और वो चाहते हैं कि आप लैंसडाउन से चुनाव लड़ें। जननेता है आपके, लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी? आपकी बातों से और आपके उत्साह से लग रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ, ऐसा देखिए, उत्साह मेरे अंदर हमेशा रहता है, उत्साह आज इस बात का है कि आज मैंने पहली बार अपनी राजनीतिक शुरुआत की है और पिताजी के आशीर्वाद से और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये शुरुआत की है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं है कि कौन कहाँ क्या चुनाव लड़ेगा, कुछ नहीं लड़ेंगे ये भी तय नहीं है, बस आज सिर्फ एक बात तय है कि हम कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर पूरी बहुमत के साथ स्थापित करने का काम करेंगे। अनुकृति, देखिए, एक चीज तो तय है, दो लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, ये कांग्रेस ने तय कर दिया है, तो एक को तो त्याग करना पड़ेगा, अब वो कौन होगा ये हम सब जानना चाहते हैं। देखिए, मैं इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकती और आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू दिस, ये तो पार्टी का जो निर्णय होगा, जो पार्टी तय करेगी, वही हम लोगों को मानना है।
अच्छा, मैंने देखा और हम सब जानते हैं आपके बारे में कि आपका जो बैकग्राउंड है शोबिज का है, आप बड़े बड़े फैशन शोज में हिस्सा ले चुकी हैं, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कई प्लेटफॉर्म्स पर, वो एक अलग फील्ड है, उससे एकदम से पॉलिटिक्स में आना ये कैसे हुआ अनुकृति? आपको एकदम से पॉलिटिक्स क्यों अपील कर रहा है, आप उस फील्ड में अपना करियर क्यों नहीं बनाना चाहती? देखिए, ये 2017 में जब मैंने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था, उसके बाद मैं वापस जब उत्तराखंड में आई थी, तो तब ये मेरे सामने ये निर्णय लेने का समय 2017 में था कि मुझे आज उत्तराखंड के लिए काम करना है या ग्लैमर फील्ड में मैं वापस जाना चाहती हूँ। और मुझे आज भी याद है, इस बात को मैं हमेशा हर जगह कहती हूँ और आज आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ कि जब मैं आई थी तो मैं पापा मैंने उनसे कहा, पापा मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, क्या मुझे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो तो मॉडलिंग के क्षेत्र में, टेलीविज़न के क्षेत्र में, पिक्चर के क्षेत्र में, जहाँ चाहती हो वहाँ तुम अपना करियर बना सकती हो, आज तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे तब भी कहा था और ये बात मुझे आज, मतलब उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन अगर तुम उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम करोगी, उत्तराखंड को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करोगी, उत्तराखंड के असहाय लोगों की मदद करने का काम करोगी, जो जो आत्मसंतुष्टि तुम्हें मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझसे कहा था, हो सकता है इस काम को करने से तुम्हारी फोटो बड़ी बड़ी मैगजीनों में जिस तरीके से आज तुम्हारे बारे में छपता है, अखबारों में छपता है, हो सकता है वो ना छपे, लेकिन जो फोटो तुम्हारे लोगों के दिलों में छपेगी उसकी कोई कीमत नहीं। अच्छा, बीजेपी में किसी से आपकी बात हुई? लगातार 3-4 साल से बीजेपी में आपकी किसी से बात हुई? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि बेटियां बीजेपी में सुरक्षित हैं और आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई हैं, तो किसी से बात हुई थी बीजेपी में आपकी? नहीं, मेरी किसी से बात किसी बीजेपी में नहीं हुई। और देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियां यहाँ सुरक्षित है, बेटियां यहाँ सुरक्षित है। मेरा उद्देश्य और हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बेटियां पूरे देश के अंदर सुरक्षित होनी चाहिए। नहीं, एक बेटी, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर, वो भी आपके प्रियंका गांधी की पोस्टर गर्ल, कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए कि ये केवल कहने को है कि बेटियों, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, उन्होंने आरोप लगाया टिकट बेचे जाने को लेकर, तो उसको लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत राय होती है, तो हो सकता है उनका पर्सनल स्टेटमेंट हो। नहीं, अगर यहाँ भी, क्योंकि टिकट को लेकर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी में भी था कि एक ही को टिकट मिलेगा, शायद वही नाराज़गी थी और शायद इसीलिए हरक सिंह रावत बहुत नाराज़ हुए और उसके बाद बीजेपी ने उनको निकाला। लेकिन अब यहाँ भी अगर एक ही टिकट मिला अनुकृति, क्योंकि यहाँ भी अगर एक ही टिकट मिला तब तो बात तो वही हो जाएगी, इतना सब त्याग जो करना पड़ा। देखिए, कोई नाराज़गी नहीं थी, ना वहाँ ये शर्त थी ना यहाँ ये शर्त है, और यहाँ टिकट मिले ना मिले ऐसे कोई शर्त हमने नहीं रखी है, यहाँ कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है। आज सिर्फ हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी काम पार्टी हमको सौंपेगी पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन उत्तराखंड के अंदर करेंगे। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार को लाने का जो प्रयास है हम पूरी पूरी ताकत के साथ करेंगे और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप यंग जनरेशन से हैं और युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनुकृति क्या सोचती हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत आदरणीय, उनके लिए मैं अच्छा ही सोचती हूँ और हमेशा अच्छा सोचूंगी। एक बार फिर से आप बोलिए, समझ नहीं आया क्या कह रही हैं आप, क्या कहना चाह रही हैं? सॉरी, हेलो, क्या कहना चाह रही हैं आप, समझ नहीं आया? चलिए, ठीक है, अनुकृति तक आवाज़ नहीं जा रही, बहुत शुक्रिया आपका अनुकृति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनुकृति गोसाई हरक सिंह रावत की पुत्रवधू, जो कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं और प्रियंका गांधी से बड़ा प्रभावित हैं, और उनका कहना है कि जिसको भी मौका मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, परिवार में चाहे हरक सिंह रावत हो या उनको मिले। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।